वहीं अगले खबर मिर्जापुर से है, जहां थोना कोतवाली कटरा क्षेत्र के दुर्गा बाजार में मुकेश मिश्रा और विशाल मिश्रा को आपसी रंजिश के मारपीट कर गंभीर रूप से घायल कर दिया। उपचार के दौरान मुकेश मिश्रा की मृत्यु हो गई, जिसके संबंध में मृतक के पिता दिनेश मिश्रा थाना कोतवाली कटरा मिर्जापुर के पास गए और तहरीर दी। तहरीर के आधार पर थाना कोतवाली कटरा पर बनाम नामजद अभियुक्तों के विरुद्ध पंजीकृत किया गया है। उक्त घटना के खुलासा हेतु पुलिस अधीक्षक मिर्जापुर द्वारा थाना प्रभारी कोतवाली कटरा एवं स्वाट सर्विलांस की संयुक्त टीम गठित की गई थी। गठित टीम द्वारा जांच की जा रही थी। इसी बीच मुखबिर की सूचना के आधार पर रेलवे स्टेशन मिर्जापुर से 6 लोगों को पुलिस ने पकड़ा है। उनके निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त 1 अदद 2 अदद बेस बैट 3 अदद पत्थर बरामद किए गए हैं। उक्त गिरफ्तार अभियुक्तों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई पूर्ण कर जेल भेजा गया। देखिए, आपके संज्ञान में पहले से भी है कि दिनांक 20 तारीख को कटरा कोतवाली जनपद मिर्जापुर अंतर्गत दुर्गा बाजार में एक घटना हो गई थी, जिसमें कई लोगों ने मिलकर के एक व्यक्ति को इतना चोट पहुंचाया था कि बाद में ट्रामा सेंटर वाराणसी में इलाज के दौरान उनकी सुबह 3 बजे मृत्यु हो गई थी, जिसके आधार पर 302 और 147 आज धाराओं में अभियोग दर्ज किया गया था। उस अभियोग के आधार पर 9 लोग नामजद हुए थे और कुछ अज्ञात थे, जिसके आधार पर अब तक इन 6 जो अभी आज गिरफ्तार किए गए हैं उनको लेकर के एक पहले भी गिरफ्तारी हो गई थी। आज तक सभी 7 लोग गिरफ्तार किए चुके हैं, अभी 2 लोग बाकी हैं, उनको सिर्फ गिरफ्तार कर लिया जाएगा। बाकी इस मामले में चूंकि ये गंभीर घटना है, इस गंभीर घटना को हम लोगों ने काफी गंभीरता से लिया है और इसमें सख्त से सख्त कार्रवाई जो हो सकती है विधिसम्मत ढंग से हम संपर्क करेंगे। निरुक्सर एक अपराधी थे और इनका इतिहास भी अपना रहा है।